हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। के लिए BCCLE ऑनलाइन काउंसलिंग 2021 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जिसमें कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आज 8 दिसंबर है, जिसमें कि आपको बोला गया था कि 8 दिसंबर से आपके ऑनलाइन काउंसलिंग यानी कि च्वाइस फिलिंग होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, बोर्ड ने 8 दिसंबर आज जो है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु जो है कि आपका जितना भी लिंक था उसको अपडेट कर दिया गया है। अब जो देखिए इसको जो है कि हमको किस तरीके से च्वाइस फिलिंग वगैरह करना है, जहाँ तक हमको जानकारी है, मैं जो है कि मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल है, लेकिन मैं उस वीडियो को किसी के सामने यानी कि यूट्यूब पर अगर उसके बारे में सही से अगर इन्फॉर्मेशन किसी के डिटेल्स को शेयर किया जाता तो वह जो उनके खिलाफ़ होता है, इसलिए मैं उसे नहीं, मैं जो है कि बोर्ड पर बताऊँगा। बाकी बात जो भी अलग करते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन हम तो इस तरीके से चलेंगे और बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आपको समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि अगर उनको समझ में नहीं आता तो गूगल, आप लोग गूगल या क्रोम किसी से भी आप जाइएगा, उस साइट पे BCEC बोर्ड को ओपन कीजिएगा। जो ही BCEC बोर्ड ओपन होगा त्यों ही आज लिंक अपडेट हुई थी, वह लिंक आपके सामने आ जाएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर BCCLE 2021। उस लिंक पर जो ही क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन होगा और उस पेज में जो है कि आपको ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कोड BCCLE ओपन होगा। उसके बाद जो है कि चूंकि आप BCCLE का काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नीचे में देखिएगा कि होगा वहां से दिया हुआ आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, आपको वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जो है कि आपको वहां से कुछ जो है कि यहाँ से जो ही रजिस्ट्रेशन पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जाएगा कि सिलेक्ट स्ट्रीम, तो स्ट्रीम में BCCLE भरना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ से एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में क्या करना है, सही का निशान लगाना है, आई एग्री करके जो है कि आपको आगे बढ़ जाना। आगे जो ही बढ़िएगा उसमें से आपका रोल नंबर मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ये तीनों आप सही दे दीजिएगा BCCLE का। वहाँ से जो है कि आपको सिक्योरिटी कोड यानी कि वह दिया हुआ रहता है जो कि भरना कैप्चा कोड रहता है, उसको भरेंगे। जो ही सबमिट करेंगे त्यों ही अब कहिएगा कि सर ये चीज़ जो है कि यहाँ से तो ये चीज़ हो गया, जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ देंगे, तो ही आपके पास जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो होगा, ईमेल आईडी पर दोनों पे मैसेज आएगा, वह मैसेज जो है कि मैसेज यानी ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को क्या करना है आपको डाल के वेरीफाई करना है। ठीक है, जो ही आप जो है कि वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद जो है कि आपको यहाँ से पूछा जाएगा पासवर्ड, तो उस पासवर्ड को जो है कि आपको खुद से बनाना है। पासवर्ड जो है कि लेंथ जो है कि उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेंथ करने का मतलब हुआ ना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप डेट ऑफ बर्थ या किसी का नाम ये सभी चीज़ नहीं रखेंगे, यानी कि इस तरीके से इसको रखना है कि अल्फ़ाबेट भी रखना है, उसमें स्मॉल लेटर्स भी रखने हैं, आपको क्या कहते हैं एक दो तीन न्यूमेरिकल वैल्यू भी रखना है और स्पेशल करेक्टर भी रखना है। मिनिमम 8 वर्ड का पासवर्ड बनाइएगा, मैक्सिमम 13 वर्ड का पासवर्ड बनाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और पासवर्ड जो बनाइएगा उसको लिख के रखिएगा अच्छे से, ताकि लॉगिन करने में आपको फिर से बेनिफिट मिलेगा। जो यहाँ से पासवर्ड बनाते हैं, पासवर्ड के बाद जो है कि फिर से आपका जो है कि एक साइट खुलेगा यानी एक पेज खुलेगा, जिसके पेज में ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, आपको ओपन कीजिएगा तो च्वाइस फिलिंग, ठीक है, च्वाइस फिलिंग जो ही दिया हुआ रहेगा, तो च्वाइस फिलिंग का जो है कि पेज खुलेगा और उस पेज में जो है कि आपको इंस्टीट्यूशन देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिलेंगे और वहाँ पर दिया हुआ रहेगा इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर ऑल लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहीं से गुमराह करने वाला 2-3 पॉइंट होता है कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशन में ऑल लिखा हुआ रहता है, ऑल के अंतर्गत में आपके गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों आ जाते हैं, तो वहाँ से आपको क्या करना है, ओनली अगर सिर्फ गवर्नमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे, जो ही गवर्नमेंट का सिलेक्ट करेंगे, और देखिए बगल में दिया हुआ था स्ट्रीम, आपको जो है कि कौन ब्रांच चाहिए, तो बगल में अगर आपको सिविल चाहिए तो सिविल का ऑप्शन चूज कीजिएगा, और गवर्नमेंट दीजिएगा तो जिस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका BCEC क्या कहते हैं यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग का सीट है, सिर्फ वही ऑप्शन वहाँ पर आपको दिखेगा, तो वहाँ पर जो ही आप जाइएगा तो जो वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ऐड करते जाइएगा तो वह बगल में जो है कि आपके च्वाइस फिलिंग में एक लाइन से लिखा दे जाएगा कि पहले आपने कटिहार दिया, फिर दूसरा कॉलेज, फिर तीसरा कॉलेज, ये एक लाइन से आपको वहाँ पे दिखते जाएंगे, जिसे कि आप उसको ऐड करेंगे तो ठीक है। अंत में जब लिखा यहाँ से लिख दे, बाकी प्रोसेस दिया हुआ है यानी कि स्क्रीन को अच्छे से आप देखेंगे, चूँकि वह तो मेरे पास किसी का हम तो वर्क किए नहीं, इसलिए हमको उतना चीज़ नहीं आइडिया है यहाँ पे, लेकिन आपको दिया हुआ रहेगा उम्मीद, जो चीज़ हम बताए वही चीज़ दिया हुआ रहेगा, तो उसको अच्छे से फिल करना है। और अंत में जब आप पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ कि जितना भी ब्रांच चुन लिए, एक चीज़ और, अगर मानिए कि यहाँ से कि कोई भी बच्चे कहते हैं कि सर मैंने जैसे कटिहार में सिविल लिया, क्या कटिहार में मैकेनिकल चूज कर सकता हूँ क्या, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप मैक्सिमम च्वाइस को फिलिंग कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग
विषय को चुनिए कि आपको कौन से विषय से यानी कौन से ब्रांच से आपको इंजीनियरिंग करनी है। उस ब्रांच को आप अपने दिमाग में बैठाइए और उस ब्रांच के अनुसार जो है कि ज्यों ही जाइएगा तो वहाँ के एक कॉलेज तो मैं बता दिया था, कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए और मैक्सिमम चॉइसेस फिलिंग करने का कोशिश कीजिए। भले आपको दो ही तीन ही कॉलेज लेना है यानी एक कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये मत अपने आप में डिसाइड कीजिएगा कि जो सर क्या भागलपुर देंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए कभी कभी चांसेस आपका बेनिफिट भी दे देता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आप अगर टॉप कॉलेज से लो लेवल की ओर चलेंगे तो अपग्रेडेशन में जो है यस करेंगे तो अपग्रेडेशन में ऊपर मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाएगी। इसलिए कॉलेज का जो है कि श्रेय वाइज अच्छे से दीजिएगा। अगर वो चीज़ हो गया, अगर मानिए कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नहीं होता है तो कभी ना कभी एक चांसेस मिलता है आपको मॉप अप राउंड का, जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या हो जाएगा कि जैसे मानिए फर्स्ट में आपका काउंसलिंग हो गया, सेकेंड में हो गया, तो थर्ड में जो है कि अगर मानिए कि फर्स्ट सेकेंड में नहीं हुआ तो थर्ड में भी आपका मौका मिल सकता है। तो आप BCEC बोर्ड पटना जाके वहाँ से आप सादर आमंत्रित होते हैं और वहाँ जाके आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर इससे बेनिफिट ये मिल जाएगा, अगर मानिए कि जैसे कि कोई भागलपुर कॉलेज में एक सिविल का खाली रह गया, अगर कोई भी बच्चा नहीं है तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाती है एडमिशन कराने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं, सेकंड तक जाते जाते बहुत कम हो जाते हैं और मॉप अप राउंड जाते जाते जो है कि छोड़ ही देते हैं, उम्मीद ही छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी किन्हीं को बेनिफिट ये चीज़ हो जाती है, तो इस सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम कॉलेज का आप चूज करेंगे, मैक्सिमम ब्रांच का चूज करेंगे, ये सभी चीज़ को ध्यान रखते हुए और मैक्सिमम कोशिश क्या करेंगे, जिस स्ट्रीम से आप जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं उसी ब्रांच से आप बीटेक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि अगर हम डिप्लोमा सिविल से किए हैं तो बीटेक जो है कि मैकेनिकल या अलग ब्रांच से, अगर सिविल से किए हैं तो कोशिश कीजिएगा बीटेक भी सिविल से करें, ताकि अगर आपको भरपूर नॉलेज चाहिए तो अगर आप सभी जानते हैं कि बीटेक जो होता है ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री होता है और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको किसी भी चीज़ के अंदर डीपली नॉलेज होना चाहिए। इसलिए दो नाव पे पैर मत रखिएगा, इसलिए जो है कि ब्रांच को एक ही तरफ आगे बढ़ाइएगा। इलेक्ट्रिकल वालों या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से यही उम्मीद करता हूँ कि वह जो है कि अगर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए तो पहले वो इलेक्ट्रिकल की प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो डिप्लोमा किए वो EEE दे सकते हैं या ECE दीजिएगा। अगर ये दोनों में नहीं होगा तब बाद में जाके आप जो है कि EEE दीजिए यानी कि EEE दीजिएगा, लेकिन पहले प्रायोरिटी आप EEE को दीजिएगा और ECE को दीजिएगा, ठीक है। मैकेनिकल वालों को दिक्कत नहीं है, सिविल वालों को दिक्कत नहीं है, CSE वालों को दिक्कत है भी नहीं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन था सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, तो उनका कन्फ्यूजन दूर हो गया। और देखिए ये घबराइएगा मत कि सर मेरा रैंक ये है, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन रखा है, मेरे जानते हुए भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जॉब में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब में चले गए हैं, ठीक है। तो इससे जो होते हैं कि बहुत सारे बच्चे तो परीक्षा दिए हैं लेकिन एडमिशन की सीट जो है कि वहाँ पर नहीं भर पाती है, वहाँ पर जो है कि नीचे वाले रैंक को मौका मिल जाता है। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, अब आपकी बारी है, अब आप लोग ऑनलाइन फिलिंग कीजिए और आराम से 12 तारीख तक करते रहिए, एडिट वगैरह जो भी करना कीजिए सेटिस्फेक्शन के साथ। जो ही ब्रांच हो जाएगा त्यों ही अंत में जो है कि आप सेटिस्फेक्शन होते हैं त्यों ही दीजिएगा वहाँ पे आई एग्री माई चॉइसेस, जो ही आप उस पर सही का टिक करेंगे उसका तो ऑप्शन आएगा आर यू श्योर वांट टू लॉक योर चॉइस, तो लिखेगा यस, जो ही कीजिएगा तो ही आपके मोबाइल पे या ईमेल पे मैसेज आएगा, मैसेज आएगा तो उसमें से एक OTP रहेगा और मैसेज जो ही आएगा उससे पहले आपके ईमेल पर आपने जो चॉइस फिलिंग किया वो PDF आपके ईमेल पे आ जाएगी और जो है कि OTP के द्वारा जो है कि आप उसको लॉक कर सकते हैं। एक चीज़ और क्वेश्चन रह जाएगा कि सर अगर मैंने लॉक नहीं किया तो क्या होगा, अगर आपने लॉक नहीं किया तो वह स्वतः 12 तारीख को जो है जितना टाइम है इसका उस टाइम में जो है कि लॉक हो जाएगा, वहाँ से आपको एडिट करने की कोई चांसेस नहीं मिलेगी। हाँ एक चीज़ और आपके मन में चलता होगा कि सर अगर फर्स्ट राउंड में मैं काउंसलिंग नहीं या रजिस्ट्रेशन नहीं करता हूँ तो क्या सेकेंड राउंड में एप्लीकेबल होऊंगा, तो बिल्कुल नहीं मौका मिलेगा, जो भी करना है इसी राउंड में आपको करना है, अन्यथा आपको मौका नहीं मिलेगा। जो भी करना आपको 8 से 12 तारीख के बीच में ही करना है, चूँकि इसका प्रोसेस जो है कि 8 से 30 दिसंबर तक चलेगा। और बहुत सारे बच्चे का था कि सर थर्ड सेमेस्टर का जो है कि कम से कम मैथमेटिक्स पढ़ा दीजिए, तो पहले आप लोग अच्छे से एडमिशन लीजिए, एडमिशन लेने के बाद जो है कि मैं कोई भी विषय नहीं हो तो दो विषय यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स थर्ड के बारे में ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा अच्छे से, और जो है कि आप लोगों को गाइड भी कर दूंगा कि किस तरीके से पढ़ना और कहाँ से क्या लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले आप लोग अच्छे से काउंसलिंग कीजिए, ब्रांच मिल ले दीजिए, एडमिशन लीजिए, उसके बाद जो है कि हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि कॉल नहीं करने के लिए, चूंकि बेहिचक कॉल कर देते हैं आप लोग यानी कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पे मैं जवाब जरूर दूंगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।